हेलो दोस्तों, जय माता रानी की, प्रणाम आप सबको मेरा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक ही हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, आज मैं अभी दुकान पे हूँ और डेट है आज 8 तारीख है, जनवरी 8 तारीख। तो दोस्तों, मैं अभी दुकान पे हूँ और आज मेरी दुकान पे बहुत ही अच्छे कस्टमर आ रखे हैं, तो बहुत ही अच्छे पहले से ही मेरी दुकान पे आते हैं, तो आपसे मिलवाती हूँ मैं। हेलो दीदी। हाय हाय दोस्तों, मैं ममता कोखंडी से और दीपा की दुकान में खरीदारी करने आए हैं आज हम। और दिनभली में ये दुकान है, कभी आप इस रूट पे आओगे तो जरूर यहाँ पे दीपा की दुकान में रुकना। आपको हर वैरायटी, हर आइटम मिलेगा, कस्ट वो क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक, उलन कपड़े, साड़ी, जो लेना आपको यहाँ से लेना। बहुत अच्छे दाम देती है और इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप मेरी दीदी से मिल चुके हैं, वो बहुत ही अच्छी कस्टमर है मेरी, बहुत ही अच्छी, मतलब सारा सामान मेरी दुकान से ले जाती हैं। तो व्यवहार कुशलमंगल है उनका, बहुत ही अच्छी। तो अब आपको मैं अपनी दूसरी कस्टमर से मिलवाती हूँ, वो ये भी बहुत अच्छी और सारा सामान मेरी ही दुकान से खरीदती है। तो हेलो दीदी, आप बोलना चाहोगे कुछ? हेलो हाय, मैं सरोजनी कोखनी से इसके दुकान में सामान लेने आ रहा हूं, इसलिए जाना। तो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव की है, मतलब मेरी दीदी लगती है। तो ये देख सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छे कस्टमर है जेठानी। हाँ, तो दोस्तों जैसे आप मिल चुके हो, आपको पता है ये मेरी दुकान से सारा सामान मेरी दुकान से ले जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी है। और दीदी, और सब दुकान में सामान तो अच्छे रेट पे मिलता है, पसंद का मिल जाता है, हमको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम चोपता नहीं जाते, पोखरी रुद्रप्रयाग का खर्चा बच जाता है, आराम से हमारे गुजारा हो जाता है। थैंक यू सो मच, ठीक है। सभी कस्टमरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छे से मतलब सामान ले रहे हैं। तो दीदी, गुलबंदी खाना है आपको? हाँ, नथ भी है, गुलबंद भी है, पाजेब है, कॉस्मेटिक का सामान। तो ये देखिए मेरी दुकान पे, तुम उत्तराखंड की ज्वेलरी लेनी है किसी को तो ले लेना, बहुत ही सुंदर। तो ये दीदी खरीद रहे हैं इसको, तो लो दीदी आप खरीद लो। दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो अभी ग्राहक आए और ग्राहकों के साथ साथ मैंने सोचा मैं एक भजन भी गा लूँ। तो अभी ग्राहक तो थोड़ा बहुत निपट गए, चले गए हैं, तो मैं इसके साथ अब एक प्यारा सा भजन सुनाऊँगी आपको, कृष्ण जी का भजन है। तो ठीक है दोस्तों, सुनिए। जय श्री राधे कृष्ण की जय हो। फूलों का भगवान कन्हैया, कनि मुरली बजाउंदो कन्हैया, फूलों का भगवान कन्हैया, कनि मुरली बजाउंदो कन्हैया, तेरी मुरली सुनी सुनी के ब्रह्मा जी भी ऐने, तेरी मुरली सुनी सुनी के ब्रह्मा जी भी ऐने, ब्रह्मा जी भी ऐने कन्हैया सरस्वती साथ लेने, ब्रह्मा जी भी एने कन्हैया सरस्वती साथ लेने, फूलों का भगवान कन्हैया, कनि मुरली बजाउंदो कन्हैया, फूलों का भगवान कन्हैया, कनि मुरली बजाउंदो कन्हैया, तेरी मुरली सुनी सुनी के विष्णु जी भी एने, तेरी मुरली सुनी सुनी के विष्णु जी भी एने, विष्णु जी भी एने कन्हैया लक्ष्मी संग लेने, विष्णु जी भी एने कन्हैया लक्ष्मी संग लेने, फूलों का भगवान कन्हैया, कनि मुरली बजाउंदो कन्हैया, फूलों का भगवान कन्हैया, कनि मुरली बजाउंदो कन्हैया, तेरी मुरली सुने सुने के राम जी भी ऐने, तेरी मुरली सुने सुने के राम जी भी ऐने, राम जी भी एने कन्हैया सीता संग मलेने, राम जी भी एने कन्हैया सीता संग मलेने, फूलों का भगवान कन्हैया, कनि मुरली बजाउंदो कन्हैया,
फूलों का बागवान कन्हैया, कनी मुरली बजाउंदो कन्हैया, तेरे मुरली सुने सुने के बोले जी भी एने, तेरी मुरली सुने सुने के भोले जी भी एने, भोले जी भी एने कन्हैया गोरा संग मालेने, भोले जी भी एने कन्हैया गोरा संग मालेने, फूलों का भगवान कन्हैया, कनी मुरली बजाउंदो कन्हैया, फूलों का भगवान कन्हैया, कनी मुरली बजाउंदो कन्हैया, तेरी मुरली सुन सुन के हमें सब भी एने, तेरी मुरली सुन सुन के हमें सब भी एने, हम सब भी एन कन्हैया चिमटा संग मलेने, हमें सब भी एन कन्हैया ढोलक संग मलेने, फूलों का भगवान कन्हैया, कनी मुरली बजाउंदो कन्हैया, फूलों का भगवान कन्हैया, कनी मुरली बजाउंदो कन्हैया। जय श्री राधे कृष्णा की। ठीक है दोस्तों, फिर से आप इस भजन को लंबा बनाना चाहते हो तो जैसे कि आप लोगों को पता है सभी देवताओं को, देवी देवताओं का नाम लेके इस भजन को आप आगे बोल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, सब लोगों को फिर से मेरा सादर प्रणाम और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। ठीक है, जय माता रानी की।